सनी देओल का नाम आते ही सबसे पहले उनकी एक्शन फिल्में दिमाग में आती हैं। सनी ने एक्शन फिल्मों को बॉलीवुड में एक अलग पहचान दी थी। सनी की छवि है देशभक्ति वाली। उन्होंने देशभक्ति से जुड़ी बहुत सी फिल्में की हैं। उनमें मुख्य नाम है बॉर्डर, इंडियन, गदर आदि। लोग सनी के डायलॉग्स के दीवाने थे और गली गली का बच्चा सनी के डायलॉग्स बोलता आया है। वैसे सनी सबसे शांत स्वभाव के सीधे आदमी हैं, लेकिन सनी की अपनी बहन से बिल्कुल भी नहीं बनती और हम आपको इस खटास की वजह बताने जा रहे हैं। सनी देओल बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे हैं, लेकिन धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के रिश्ते में कुछ समय बाद खटास आ गई और इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, जिसके बाद धर्मेंद्र ने बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री हेमा मालिनी से 1979 में शादी कर ली। हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सनी देओल बेहद सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन वो अपनी सौतेली बहन ईशा देओल से बेहद नफरत करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सनी देओल अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी से भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। दरअसल सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अफेयर और फिर शादी की वजह से बेहद सदमे में रहे हैं। इसी वजह से वो ईशा देओल और अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी से कोई रिश्ता नहीं रखते। आपको जानकर हैरानी होगी कि सनी देओल और उनकी सौतेली माँ हेमा मालिनी की उम्र में केवल 8 साल का अंतर है। आपको बता दें कि सनी देओल और ईशा देओल के बीच रिश्तों को लेकर खुलासा उस वक्त हुआ जब ईशा देओल की शादी में सनी देओल नजर नहीं आए, जिसके बाद सनी लोगों के जुबा पर पैच जिसके बाद सभी लोगों की जुबा पर इस बात की चर्चा थी कि दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। गौरतलब है कि ईशा देओल ने भी बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो उतनी सफल नहीं हुई जितनी सफलता सनी देओल और उनके बाकी फैमिली मेंबर्स को मिली। न्यूज रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।